भाई जितना पास जाओ ना उतना प्यारा दिख रहा है भाई। अगर मैं आपको दिखा दूं, देखना चाहते हो? 1 2 3 आपको यहाँ पे मजाक चल रहा है, कोई भी दिखो भाई किसने मारा था। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब? तो आज डे 3 स्टार्ट हो चुका है और आज का दिन हमारा 4 बजे शुरू हुआ है, वो भी दिन के, क्योंकि वही ये सब तो नाते नाते इतना टाइम लगा दिया और लास्ट में मुझे रखा और फिर खुद बैठ के खाना खा रहे थे। और मेरा खाना ये देखो मेरा खाना और खुद ये देखो, सारे काम किए इसने, खाने का टाइम नहीं मिला बेचारे। और क्या, सुबह सुबह मुझे भेज गए भाई, पहले ये ब्रेकफास्ट लेके आओ, फिर बोलते भाई जाओ जाके बिरयानी लेके आओ। माना आप मेरे फ्लैट में, लेकिन मैं खुद भी तो जाओ थोड़ा दिल्ली एक्सप्लोर करो। ये देखो शाहजी पीछे, सबसे बड़ा काम चोर, सबसे ज्यादा टाइम सबने लगाया 15 मिनट आने में और शाहजी ने 1 घंटा। 1 घंटा क्यों लगता है भाई को नहाने में? 40 मिनट। बाकी उन्हें कितने में खाया? 10 मिनट। आप बताओ, अब आप बताओ, इंसाफ करो। बदनाम कर रहे हो? एम बदनाम नहीं भाई, और हमारे आदिल भाई बेचारे हमेशा अपनी कंफर्ट सेक्रीफाइस करके लास्ट पे बैठे हैं। इनके लिए हमने बूट तो खाली किया है, और ये बूट क्यों खोला इसने? बंद करो। और ये मूवी भाई भी आ गई। मूवी भाई आप फुल हो गए? बिरयानी काफी थी आपके लिए? मैं थोड़ी खाता हूं यार, एक प्लेट लाई थी, लेकिन ये शरीर देख के लगता है कि ये थोड़ी खाता है। आपको लगता है इतनी सी बिरयानी में इनका कुछ होगा? है ना, अभी और चाहिए होगी इनको। तो अभी क्लैन में भी बैठ रहे हैं। अभी सबसे पहले हमने जाना है हमजा भाई को रील शूट करनी है। कहाँ जा रहे हैं हम? हिमायूं टॉम जा रहे हैं, और आगे क्या होगा आज के दिन में वो आप बने रहो और देखते रहना। फिलहाल मैं अपना लंच खत्म करता हूँ और आगे बहुत ट्रैफिक मिलने वाली है। तो गाइस देख लो, गाइस देख लो, सुन लो आपके दोनों क्या करने के लिए आए हैं। ये आप सुन लो, मैं कुछ नहीं बोलता, आपने सुन लिया, दोबारा बैक करके सुन लो कि शाह साहब क्या बोल रहे हैं। मुझे कोई बात में ना बोले भाई। तो भाई जिस मर्जी को देखे भाई, गाली तो, करना है तो उसको, वो मुशी को देख रही है तो उसको देख रहा था, गाली देख रही है वो मुशी को देख रही है, ये उसको देख रहा है। देख लो भाई के लिए निकाह, देख लो है ना भाई का निकाह होगा। उस्मान अंकल तो पहले बैठे हैं, उनके पास काम ही नहीं है, वो देखेंगे तो वो तो बहुत ऐसे क्या बात करता है, खुद उसको देख रहा है। उधर देख छोड़ लो, मैं क्यों देखूं। देख गया ऐसे। तो गाइस 1 घंटा हो गया मैं करोल बाग से निकले हुए, 10 किलोमीटर का रास्ता था और आगे जाम। देखो ये इंडिया गेट के पास हम फंसे हुए हैं पिछले आधे घंटे से, और दिन को बड़ी सरखपाई है इधर गाड़ी है। दिन को तो भाई बहुत सरखपाई है, और 5 बजे हिमायूं टॉम बंद होता था और हम 5 बजे नहीं पहुंच पाए। बहुत बुरा हाल है दिल्ली में ट्रैफिक, अगर दिन को गाड़ी लेके निकलना है ना तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो। इसलिए अगर आपको पता कि कोई 4 बजे का काम है तो आप 3 बजे वहाँ पहुँचने की कोशिश करो, तभी आप कहीं जाम में फंसोगे तो 4 बजे तक पहुंचोगे। सीधा चलना। और भाई गूगल मैप बहुत बेकार है, आप मैपल डाउनलोड कर लेना, मैपल बहुत आपकी मदद करेगा खासकर दिल्ली में। पेड प्रमोशन नहीं भाई, ऐसी आप काम की चीज़ है, मैपल डाउनलोड कर लेना, मैपल ऐप है महिंद्रा में। अगर मेरा तो सिस्टम अपडेट नहीं है, अगर आपके पास एलेक्सा वगैरह है उसको बोल देना एलेक्सा टेक मी टू इंडिया गेट, वो आपको मैपल के थ्रू ही ले जाएगी, कोई बड़ा तोहफा वाली बात नहीं है। तो बाकी देखते हैं हिमाचल टॉम क्या भाई, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? चौथी बार बंद कर गए, चौथी बार ऑटोमेटिक है। अब तू उसको देखने लग गया, अब इसको हमजा ने बता दिया ना कि उधर देख, अभी उधर ही देख रहा, अब गियर पे फोकस नहीं है इसका। सारी क्या अश्लील दुनिया यार, मैं ही शरीफ रह गया यार। चलो गाइस मिलते हैं आगे। तो भाई अगर आप आ रहे हो हिमायूं टॉम पे तो कैश लेके आना, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है स्कैन एंड पे का, इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हो, अमाउंट ये तो वहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपसे वो एक्स्ट्रा भी चार्ज करें। तो भाई घुस चुके हैं हिमायूं टॉम के अंदर, मतलब आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें एक और व्लॉगर मिले हैं अपने भाई मूवी, हमारे एक और व्लॉगर हैं भाई। आपको चैनल कहाँ पे? 200K वाला चैनल। तो भाई थोड़ा शाउट आउट कब दोगे उससे? इससे आपको जरूरत है, आप हमें कब दे रहे हो ये बताओ यार। एक काम करते हैं, जब जिसके पहले 1 मिलियन होंगे वो दूसरे को शॉर्ट आउट देगा, ठीक है? तो गाइस अब आप बता दो पहले 1 मिलियन। हमारे चैनल के 3 पार्टनर हैं, 1-2 गाइस के डिसाइड करेंगे। वो तो मैं भी हूँ, मेरे को बताना नहीं किसी को कि मैं भी हूँ। हाँ भाई बड़ा मुश्किल है भाई अंदर आना, वो पेमेंट हो ही नहीं रही थी। आप आओगे थोड़ा प्रिपेयर हो के आना, हमारा हिंदुस्तान बढ़ तो रहा है लेकिन वो स्लो रेट से बढ़ रहा है। मेरा खुद फर्स्ट टाइम है, अभी पहले पेमेंट वगैरह कर रहे थे और अब अंदर आए हैं, देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको अच्छे से, क्या सिस्टम है क्या नहीं वो भी देखते हैं अभी। कहाँ हिमायूं टॉम कहाँ पे है शाहजी? कहाँ पे है वो है कहाँ पे यार वो है हिमायूं टॉम की वो है ना उसका। ये क्या है? ये वो टॉम ईसा खान का, ये ईसा खान का टॉम यहाँ से, और वो सामने क्या है?
वहाँ से मयूर टॉम्ब है। अच्छा तो भाई काफी सारे टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पे, हम भी टूरिस्ट हैं, मतलब फॉरेनर्स भी आए हैं काफी सारे यहाँ पे। भाई इस गेट के बाद जो व्यू आ रहा ना भाई, डैम ओफ भाई, अगर मैं आपको दिखा दूं, देखना चाहते हो? 1 2 3 देखो, वाह जस्ट अमेजिंग, जस्ट वाओ भाई, इसे कहते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्या व्यू आया यार, मजा आ गया भाई। जितना पास जाओ ना उतना प्यारा दिख रहा है ये, जितना पास चलते जाओ उतना प्यारा दिख रहा है भाई। क्यों नहीं आया मैं पहले, क्यों नहीं आया मैं पहले मयूर टॉम्ब, 1.5 साल हो गया है और मैं पहली बार आ रहा हूँ यार। देखो यार जितना पास आओ उतना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, दूर से पता नहीं चलता है बट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे। और पार सामने जो सूरज है ना उसकी रोशनी से ही जो ये है वो खूबसूरत लग रहा है। और भाई पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट सा हो रहा है कि 1.5 साल में मैं यहाँ क्यों नहीं आया। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। वो देखो पीछे भी कुछ है, वो मस्जिद है या क्या है, एक बार मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, कुछ तो है उसका भी पता करते हैं वो क्या है। इधर से कुछ ऐसा है हुमायूं टॉम्ब, बहुत सारी एंट्रेंस हैं, ये अंदर क्या है हुमायूं क्या है, ठीक है हुमायूं की कब्र ये है, ये है। अच्छा भाई तो ये देखो भाई अंदर से कुछ ऐसा है, और ये हमारे जनाब हुमायूं सर की कब्र, सर हुमायूं साहब, जनाब हुमायूं की कब्र। और लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, जैसे कि हम भी घूमने के लिए आए हैं, हमें भी क्या करना है इस कब्र से, हम देखेंगे मुमताज़ की कब्र जो शाहजहां ने बनवाई है ताजमहल में, हम वो देखेंगे। लेट आए थे, ईसा खान का जो टॉम्ब है वो रह गया, इसको हम अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो भाई अब हुमायूं टॉम्ब से आए हैं, निज़ामुद्दीन जा रहे हैं, और भाई बैटरी रिक्शा में ही हमारे आदिल भाई, सैकलैन भाई, हमजा भाई, और ये हमारे मुशी भाई आगे बैठे हैं, मुबशिर भाई बैटरी रिक्शा में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको बैटरी रिक्शा? ठीक है, ठीक है, कैसा लग रहा है भाई? हमजा भाई पहली बार बैठे हैं, हमजा भाई कैसा लग रहा है? ऊपर आवा कोई खींच के ले जाएगा, बात खींच के ले जाएगा, टांगे बचा के रखना भाई। देखो भाई ऐसे बंदे जो है वो इस पर 5 ही बैठते हैं, बट आदम 6 बैठे हैं, और कोई आके, अगर आप दिल्ली में हो तो कभी भी फ़ोन ऐसे रिक्शा से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि फ़ोन आपके पास हाथ में रहेगा, क्या पता आपका हाथ भी काट के ले जाए, इसलिए आगे पीछे नज़र रखना। अभी तो कोई नहीं है इसीलिए मैंने फ़ोन ऐसे रखा। अब आपसे मिलते हैं निज़ामुद्दीन दरगाह में जाके, ओके बाय। भाई अब एंटर कर रहे हैं हम निज़ामुद्दीन मौलिया की दरगाह, और ये है माशाल्लाह दरगाह, कितनी भीड़ है शाम के टाइम, वो मस्जिद है और ये दरगाह है, और माशाल्लाह सारे लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया के हर कोने से। और आगे कवाली भी चल रही है, मुशी भाई कवाली सुनते हो आप खान साहब की? आओ आगे आपको कहानी कवाली सुनाते हैं। यहाँ पे भाई हर रोज़ शाम को समा बनता है, रोज़ जो थर्सडे होता है, थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा ज़्यादा रश होता है, आज थोड़ा कम है। अभी आपको मैम दिखाते हैं कवाली का नज़ारा, 5 बजे जी जी हाँ, मोहम्मद असलम ठीक है।
जी जी। तो गाइस आज का जो ब्लॉग था वो यहीं पे एंड कर रहे हैं। लास्ट पे भाई हमें जाना था गुंबद कैफे, क्योंकि बहुत दिनों से शाह साहब हमारे पीछे पड़े थे कि मैं आया ही गुंबद कैफे के लिए हूँ। लेकिन उन्होंने जब एक्साइटमेंट देखी ना शाह साहब की, जब शाह साहब ने फोन किया बोला आ जाओ कोई बात नहीं हम फ्री हैं, हमारे पास इतना रश नहीं होता, जैसे ही ये बोलते आपको मिनिमम 2500 का बिल देना पड़ेगा, हमने बोला कोई बात नहीं खाना खाते ही हैं दे देंगे। फिर उसने फोन किया, 2 मिनट वेट करा, फिर बोलता सॉरी पर पर्सन 2500। हमने बोला हैं अच्छा, फिर हमने कहा कोई बात नहीं, फिर हमने बोला आप एक बार हमें बताओ हम जाते हैं, जाने वाले थे। फिर बोलता 1500 सर गलत हो गया। उसके बाद बोलता हमने बोला चलो ठीक है 1500 ठीक है पर पर्सन भाई कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद बोलता भैया वो तो बुक हो गया जो था फैमिली वाला, अब हमारे पास टैग वाला है वो 8000 रुपये में होता है। हमने बोला 8000 पर पर्सन, कहता नहीं टोटल 8000 रुपये। हमने कहा भाई वही पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कहता ठीक है 10 मिनट वेट करो। 10 मिनट वेट करने के बाद बोलता है भैया अब एक ही बचा है कैनबिस, उससे आपको लाल किला आगरा भी दिख जाएगा, मतलब आगरा नहीं मतलब लाल किला ताजमहल एक 12000 वाला भी था वही 12000 वाला बोलता है 12000 वाला उसमें आपको वो दिख जाएगा रेड फोर्ट दिख जाएगा चांदनी चौक मस्जिद के सारे चार कोने दिख जाएंगे। मैंने कहा हमने चार कोने नहीं देखने, हमें बस शाह साहब को हील बनवानी है 8000 ठीक है। नहीं, कहता भैया 5 मिनट और रुकोगे तो वो 15000 का हो जाएगा। फिर गुस्सा आ गया मुबशर को और बोलता है माए 15 का 20 भी दे दूंगा, ये थोड़ी होता है ऐसे तो मैं जो रेट बढ़ाता रहेगा। फिर मूवी भाई दी, दी, दी। फिर मूवी भाई को जब गुस्सा आया तो फिर थोड़ा सा हमजा ने शांत कराया, फिर उसको बोला कि भाई रहने दो। फिर हमने हमजा को बोला कि भाई आप रहने दो अब जाने का कोई फायदा नहीं। फिर लास्ट पे कंक्लूजन ये हुआ कि वो हमें बोलने लगा कि भाई आप स्टैग हो तभी एंट्री नहीं होती, रात को ये होता है वो होता है, अगर आपके साथ कोई होता तो हमने कहा भाई 6 बंदे पता है अगर मैंने कहा हम 6 बंदे कोई होता क्या कि तभी यह कोई होता। हमने बोला भाई क्लियर बोल क्या होता। फिर वो शाह साहब का दिमाग था वो समझ के कह रहा है कोई लड़की होती तो आपको एंट्री दे देते। इसीलिए भूमि भाई ने डिसाइड किया है कि सबको वो स्पा जो है स्पॉन्सर करेंगे पहाड़गंज में सुबह 6 बजे। तो अभी उसी की बात चल रही है, हमने मूवी भाई को बोला है कि भाई ऐसा इतना भी आप दयालु मत बनो, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं करानी तो हम कर जाएंगे, ये आप आगे आगे की डेट मूवी भाई देंगे आपको। मूवी भाई भाई इन्ना लीला हो गया साहब, ये आगे देखे गाड़ी चलाओ आप यार प्लीज कसम से यार। भाई जान कोई बात नहीं था, आप स्पा वाली बात से क्यों देंगे जी यार, यहां पे एम्बुलेंस देगी थी आगे स्पा। हां एम्बुलेंस भाई टैंकर आ गया, एम्बुलेंस कौन सी है, टैंकर की वजह से एम्बुलेंस आती है लेकिन यार एक जगह जाना था हमने था वेनिस मॉल, वो हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो हमने विलेज मॉल जाना था। नेक्स्ट टाइम आते वक्त अगर टाइम मिलेगा तो वो कल हमने जाना है, देखते हैं कल सुबह आपको बताएंगे ट्रिप कहाँ कहाँ जाएगा, सस्पेंस रखते हैं। तो व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।